हे गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं सोन जी चैनल से वाह बेटे मौज कर दी एपिसोड 3 फनी मीम्स वीडियोस ट्रेंडिंग मीम्स कंपाइलेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट चेक आउट द चैनल। कितना खुश हो रहा है दीदी, उसकी गायब हो गई। अब बेटा तेरी खैर नहीं, अब तेरी खैर नहीं, एक के बदले दो आ गई। मेरे से मानना है सर, आप लोग इस बात से तफाक नहीं करेंगे। कहते हैं कि अंदर जाकर दर्द का एहसास दिलाने वाला चीजों में इंजेक्शन आज भी दूसरे नंबर पर है। गोरा गोरा गाल है टमाटर जैसा ला, चुमने को दिल करता है पर इज्जत के साथ। प्यारी समझ गई। ओ यार, प्यारी कितनी औसम है। आई थिंक ये शॉर्ट्स बढ़िया है, चलो आगे भी हैं, आगे देखते हैं। भैया जरा साइड होना। कब आए थे? कौन? मेरे पापा आपके घर। क्या वाह भैया बहुत सही। मतलब बात ये कहते हैं मतलब कि रात में सिर्फ तीन तरह की चीजें जागती हैं, भूत, मच्छर और मियां बीबी। भूत इंसान को डराने के लिए, हाँ। मच्छर इंसान को सताने के लिए, हाँ। और मियां बीबी इंसान को बनाने के लिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या बातें कर रहे होंगे मैं। होंठ पढ़ने दे। मुझे ना बाहर जाके पढ़ाई करनी है। कहाँ पे? लंदन। लंदन? मुझे भी। मुझे भी कहाँ? ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक। टिटी टिटी कर रहा है अभी तो लंदन में। एडमिशन लेने का प्लान है? लेने का प्लान तो है, लेने का प्लान है। बोल रहा तू लेने का प्लान है भैया। हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक बहुत जरूरी काम है जो हम तीनों को मिल के करना। एक बार उस पे तो पुहले। समीर गर्जे शेर के साथ, बारिश हुई जोर के साथ। क्या बात है सर? बादल गर्जे शेर के साथ, बारिश हुई जोर के साथ। हर पल ध्यान रखो अपने जीएफ का। अरे बहन कहीं ठंड के मारे सो ना जाए किसी और। सो गाइस, ये मेरा रशियन फ्रेंड है और मैंने कुछ वक्त पहले एक बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग सिखाया था जिसको ये अपनी गर्लफ्रेंड सुनाने वाला था। तो ये आज फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड को उसी गाने को सुना के प्रपोज करने वाला है दोबारा से। सो आर यू रेडी? यस। ओके, एक्चुअली मजा आएगा बहनचोद। क्यों नहीं बेबी, आई वांट प्रपोज यू दिस बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग, कैन आई? वाओ, ओके। चला हद हैं की लोरी, चला हद हैं की लोरी, चला हद हैं की लोरी। How is it? Oh baby, it's so cute. It's so cute. I love you.
हरामी होते हैं कसम से दोस्त। क्या रिया भाई तेरे रिश्ते का, हो जाएगी ना तेरी शादी जन्म में? दहेज यार। अबे दहेज मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाप तुम्हें अपनी लड़की देता है, उसके ऊपर से तुम दहेज मांगते हो? ये साले दहेज में गाड़ियां मांगते हैं और उनसे आग मूंदते हैं फिर। अबे इतनी औकात है तो तुम्हारी, अपनी लेके दिखाओ। मुझसे उल्टा दहेज मांग रहे थे। भाई मुझे कोई बताएगा, जब भूतनी के पैर पीछे होते हैं तो उसकी चूत किधर होती होगी? चूतिया है क्या रे? हम उस बेवफा से दिल लगा बैठे, खाली फोकट अपनी सुकून की माँ बहन एक करवा बैठे। वो तो चुपचाप सो गई किसी के बिस्तर पे जाकर, हम साला अपनी ही छाट में आग लगा बैठे। कुछ लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत इमोशनल, कभी कभी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक बार लड़की लाड़ में आके उसने हमको मैसेज किया, सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, बताओ क्या भेज दें? 100 ग्राम मुझे चीज बताओ, एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है? अब उस पेड़ के पास से आम गिरा है, ठीक है? अब वो आम कौन उठाएगा, लड़का उठाएगा या लड़की उठाएगी? उस नीम के पेड़ पे आम क्या आपके बाप ने लगाया था? की एक ही औलाद है? हाँ यही है। क्यों नहीं कहते हैं दो औलादे होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी वाली हमेशा निकम्मी निकलती है। आपका होटा भाई कहाँ है? चुप करो। पापा सर मुझे कोई टेंशन वाला काम करना ही है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ कि लोग मेहनत करें और मुझे पैसे मिले। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। मास्टर जीरोक्स। बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, नौजवान था निकल लिए चाचा, ये नू कह रहे हैं, पूछते हैं लोग बाग, मैं दवा का सिस्टम है, मेरे दया दवा खाना है। मैंने बता रहा हूँ कि मांस खाने से मांस बढ़े और घी खाने से खोपरी, और भाइयों दूध पीने से लंड बढ़े जो फाड़ दे भोसड़ी। चाचा के साथ वाले निकल लिए, पता नहीं इनका नंबर कब आएगा। क्या करता है तेरी तो? यार ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था वाकई, ये लास्ट में सॉन्ग था ना, बहुत अच्छा था। लिटरल मीनिंग ऑफ सॉन्ग, लिटरल मीनिंग सीरियसली, मतलब एक सॉन्ग को जिसमें इमोशंस के तौर पे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक, तो उनका अगर लिटरल लॉजिकल मीनिंग निकलने, मतलब वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग निकलने लगे तो क्या होगा, बिल्कुल वही दिखाया है यहाँ पे। और क्या गजब है, लास्ट में वो गोरिल्ला कैसे डांस कर रहे हैं।
बहुत मस्त था। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।